हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पाइसी रायता की रेसिपी। नॉर्मल रायता से थोड़ा सा अलग है ये। इसमें सब्जियों को हल्का सा हमने फ्राई किया है, थोड़े मसाले ऐड किए हैं, जिससे इसका टेस्ट काफ़ी स्पाइसी है, काफ़ी टैंगी है और ये प्लेन राइस के साथ बहुत अच्छा जाता है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दही ले लेंगे, आप कोई भी दही ले सकते हैं, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसे पतला करना है और इस तरह से इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सने के बाद इसमें डाल देंगे 1/4 कप जितना पानी और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा दही है वो अच्छे से स्मूद हो जाए। पानी की क्वांटिटी दही के थिकनेस पे डिपेंड करता है। अगर दही थोड़ी पतली है तो पानी थोड़ा कम डालिए। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम सब्जियों को पका लेंगे। इसके लिए एक पैन गर्म करके 1 चम्मच जितना तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद इसमें डाल देंगे सरसों के दाने, डाल देंगे करी पत्ता, इसे मैं तोड़ के डाल रही हूँ, बस इसे हल्का सा स्प्लटर करना है। फ्लेम को यहाँ पे मैंने लो टू मीडियम रखा है। इसके बाद इसमें डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, साथ ही डाल देंगे इसमें प्याज, मैंने आधा प्याज लिया है, इसे भी बारीक कट कर लिया है। बस इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 सेकंड के लिए ही इसे पकाना है। 10 से 15 सेकंड के बाद इसमें डाल देंगे हम खीरा और साथ ही डाल देंगे टमाटर। आप अपने पसंद की और भी सब्जियों को इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही डाल दिया थोड़ा सा नमक और साथ ही डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। 2 से 3 मिनट के बाद देखते हैं तो सब्जियाँ अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। गर्मा गर्म दही में बिल्कुल ऐड नहीं करिएगा, नहीं दही फट जाएगी। जो सब्जी है वो अच्छे से ठंडी हो गई है, ये देखिए। अब इसे हम दही में मिला देंगे और ये देखने में भी काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है। ये रायता आप कभी भी बना सकते हैं, जब आपका सब्जी बनाने का नहीं मन हो तभी भी इस रायते को आप प्लेन राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने डाल दिया थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर और इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता, थोड़ा सा पुदीना पत्ता फ्रेशनेस के। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। नॉर्मल रायता को आप थोड़ा सा अलग टेस्ट और टेक्सचर देना चाहते हैं तो इसे स्पाइसी रायता को ज़रूर ट्राई करिएगा। अपनी पसंद की सब्जियों को इसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़े मसाले आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे बहुत ही सिंपल सा रखा है और ये देखिए थिकनेस कुछ इस तरह की होनी चाहिए, ना बहुत पतला है और ना बहुत गाढ़ा है। तो इस रायता की रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है, ज़रूर ट्राई करिए, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। स्टे फिट स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।